हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेद वात्सल्य। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शिरोधारा के बारे में कि वो कितनी प्रभावशाली प्रक्रिया है, पंचकर्म की बहुत बढ़िया प्रक्रिया मानी जाती है। आज अभी हम जानेंगे कि उसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में कि शिरोधारा से क्या फायदा होता है। देखने को तो ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया लगती है कि 30 से 45 मिनट पे अपनी मस्तक पे या बालों में दवाई का तेल छोड़ा जाता है, लेकिन इसका जो इफेक्ट्स है ये बहुत ही अंदरूनी होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, जिसमें अपना हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होता है, तो इससे पूरे बॉडी पे बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। जैसे कि लेडीज में पीसीओडी के प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आजकल बहुत बढ़ गए हैं, और इसमें सबसे मुख्य रीजन या कारण ये स्ट्रेस बताया गया है कि जिससे पूरे हार्मोन्स लेडीज के ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, कि जिससे पीरियड्स अनियमित हो जाती है, जिसे डिसमेनोरिया कहा जाता है, मेनोरिजिया का प्रॉब्लम होता है, हेवी ब्लीडिंग होते हैं, दो दो तीन तीन महीने पीरियड्स नहीं आते और जब आते हैं तो बहुत हेवी ब्लीडिंग होता है। तो इसमें मुख्य कारण ये स्ट्रेस माना गया है कि जिसमें हार्मोनल इम्बेलेंस ये बहुत होता है। आजकल का लाइफस्टाइल जो देखे, वर्क फंक्शन जो देखे, तो उसमें स्ट्रेस लेवल ये काफी हद तक बढ़ गई है, जिस वजह से हार्मोनल इम्बेलेंस ये बहुत बढ़ गया है। तो इसमें शिरोधारा, ये जो पंचकर्मा का अंग है, इसका बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाता है और उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे कि थायराइड्स में भी जो हार्मोन्स जो रहते हैं, उसके जो डिस्टरबेंसेस होते हैं, उसमें भी शिरोधारा का बहुत अच्छी तरह से फायदा होता है। इसमें हर एक बीमारी के हिसाब से ऑयल अलग-अलग यूज किया जाता है। जैसे शिरवला तेल हो गया है, जो बहुत ही अच्छा माना गया है शिरोधारा के लिए, और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि स्काल्प सोरेसिस के लिए तक्रधारा जो दवाई की बनाई जाती है, उसका बहुत अच्छा फायदा होता है, जिसमें स्काल्प सोरेसिस में पेशेंट्स के स्काल्प स्किन जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे डैंड्रफ बार बार निकलता रहता है, इचिंग होती है, बर्निंग भी होती है, तो इसमें तक्रधारा का बहुत ही अच्छा फायदा होता है। तो अगर आपके नज़दीकी पंचकर्म केंद्र या आयुर्वेदिक क्लिनिक हॉस्पिटल्स अगर होंगे, तो आप एक बार तक्रधारा या शिरोधारा, जिस आपको बीमारी है उस हिसाब से आप उसका एक बार अनुभव कीजिए। ये बहुत ही प्रभावशाली प्रक्रिया है, जब आप खुद अनुभव करेंगे तो आपको इसके अच्छे फायदे ध्यान में आ जाएंगे। ठीक है, नए वर्ष के लिए आपको सबको शुभकामनाएं। अगले वीडियोस आपको जल्दी ही मिलते रहेंगे, तब के लिए धन्यवाद।